हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में चेरी ट्री पोएम और उसके फिगर्स ऑफ स्पीच समझेंगे चेरी ट्री ये पोएम रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई है रस्किन बॉन्ड बहुत बड़े और पॉपुलर राइटर हैं उन्होंने बहुत सारी पोएम्स और स्टोरीज लिखी हैं मुश्किलें कठिनाइयाँ इन सब को फेस करके हमारे सपनों को यानी ड्रीम्स को कैसे रियलिटी में बदल सकते हैं यह बात हम इस पोएम से सीखते हैं स्ट्रगल कितनी भी लंबी क्यों हो आखिर में फल यानी रिजल्ट यानी खुशियां जरूर देगी तो चले अब पोएम की शुरुआत करते हैं एट ऑफ पास्ट सिंस आई प्लेस्ड माय चेरी सीड इन द ग्रास पोएट याद करते हैं कि आठ साल पहले उन्होंने चेरी सीड यानी बीज बोया था मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माय ओन आई सेड एंड वाटरड इट वंस एंड वेंट टू बेड एंड फॉरगॉट तब उन्होंने अपने आप से कहा था उनकी अपनी एक चेरी ट्री होनी चाहिए इस सोच से उन्होंने वो चेरी सीड बोया था उस पर पानी डाला और सोने चले गए और इस बात को भूल गए बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग Though, no one's caring very much or knowing, have a way of का मीनिंग है टू नो वेल यानी जानना अगर कोई चेरीज की केयर नहीं करता हो या जानता ना हो तब भी चेरीज ग्रो करना जानते हैं एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे आई फाउंड ट्री हैड कम टू स्टे और अचानक से उस समर सीजन में यानी गर्मियों के मौसम में मई महीने के एंड में पोएट ने देखा कि एक चेरी प्लांट यानी पौधा ग्रो हो गया है इट वॉज वेरी स्मॉल फाइव मंथ्स चाइल्ड वो पौधा बहुत छोटा और पांच महीने का था यहां पोएट ने चेरी ट्री को परसोनिफाई किया है एज इफ इट इज अ स्मॉल चाइल्ड जैसे वो छोटा बच्चा हो पांच महीने का बच्चा हो इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच परसोनिफिकेशन है लॉस्ट इन टॉल ग्रास रनिंग सब जगह लंबी घास थी और उसके बीच में ये छोटी चेरी ट्री ग्रो हो रही थी कोई आसानी से उस चेरी ट्री को आइडेंटिफाई या नोटिस नहीं कर सकता था it was very small five months child lost in the tall grass running wild ya opposite words small and tall dono present hain aur a figure of speech antithesis hai goats ate the leaves the grass cutter's scythe split it apart and the monsoon blithe shriveled the slender stem cherry tree ne teen accidents face kiye lagatar एक के बाद तीन एक्सीडेंट्स। पहला एक्सीडेंट बकरियां चेरी ट्री के सारे पत्ते खा गए दूसरा एक्सीडेंट एक ग्रास कटर ने अपने साइट से उस चेरी ट्री को दो टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया फ्रेंड्स साइट एक ग्रास कटिंग टूल होता है इट हैज अ कर्व्ड ब्लेड तीसरा एक्सीडेंट मॉनसून ब्लाइट एक डिसीज है एक रोग है इस डिजीज से चेरी प्लांट की पतली डंडी यानी स्टेम सूख गई श्रिविल्ड यानी ड्राइड यानी सूख जाना द ग्रास ग्रासक साइड स्प्लिट इट अपार्ट साउंड ऑफ द लेटर एस रिपीट हो रहा है और इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है श्रिविल्ड भी साउंड ऑफ द लेटर एस रिपीट हो रहा है और इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच थ्री न्यू शूट्स ग्रो इतने एक्सीडेंट्स होने के बावजूद उस चेरी ट्री ने हार नहीं मानी अगली स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु में तीन नए शूट्स निकल आए द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म्स वो पौधा यानी चेरी ट्री जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा था थ्रस्ट मीन्स पुश विथ फोर्स यानी फोर्स से ढकलना वो पौधा अपनी आर्म्स यानी अपनी बाहें आसमान की तरफ फैलाकर अपने आप को आसमान की तरफ ढकेल रहा था यहां ट्री को परसोनीफाई किया गया है एज इफ इट इज हैविंग आर्म्स जैसे उसकी अपनी बाहें हैं और इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच परसोनिफिकेशन है इन फ्रेश फियर्स लस्ट फॉर लाइट एंड एयर एंड सन फियर्स यानी अग्रेसिव, लस्ट यानी डिजायर ख्वाइश ट्री की अग्रेसिव डिजायर यानी आक्रमक ख्वाइश थी यानी बहुत ज्यादा इच्छा थी किस बात की सन्स हीट सनस लाइट और एयर हवा पाने की इसीलिए वो चेरी ट्री लगातार बढ़ती जा रही थी आई कुड ओनली वेट एज वन पोएट सिर्फ वेट करके देखता रहा उस चेरी ट्री को ग्रो होते हुए वक्त यानी टाइम और बारिश यानी रेन इन दोनों ने मिलकर मिरिकल यानी चमत्कार दिखाया आई कु वेट इज वन हुउंड लेटर डब्ल्यू रिपीट हो रहा है और इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है मेड अ मिरिकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन यहाँ लेटर एम और लेटर जी की साउंड रिपीट हो रही है और इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर स्पेंड अ सीजन इन कश्मीर केम बैक थिनर Rather poor but richer by a cherry tree at my door. अगले साल पोएट छुट्टियां मनाने कश्मीर चला गया और जब वापस लौटा तब दुबला हो चुका था और शायद काफी पैसे खर्च कर चुका था घूमने फिरने में इसलिए गरीब हो गया था लेकिन richer और अमीर बन गया कैसे अब उसके घर के दरवाजे के पास एक चेरी ट्री थी राधा पुअर बट रिचर यहां ऑपोजिट वर्ड्स पुअर और साथ में दिए हैं और इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच बनता है सिक्स फीट हाई माय ओन डार्क चेरी उसकी अपनी चेरी ट्री सिक्स फीट लंबी हो चुकी थी एंड आई कुड स्के बिलीव इट अ बेरी राइपन्ड एंड जूल्ड इन द सन हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन स्के हार्डली पोइट को यकीन ही नहीं हो रहा था ही कुड स्केर्सली यानी हार्डली बिलीव की उस पेड़ पर एक चेरी ग्रो हो चुका था चेरी राइप यानी कच्चा था लेकिन सूरज की रोशनी में जूल यानी गहना लग रहा था सिर्फ सिर्फ एक चेरी ब्रांच यानी ढाल पर लटक रहा था एंड नेक्स्ट ईयर ब्लॉसम्स स्मॉल पिंक क्विक टू फॉल एट द मीरेस्ट ब्रेथ द स्लीपीएस्ट ब्रीज और अगले साल ब्लॉसम्स यानी फूल खिलने लगे उस चेरी ट्री पर वो फूल छोटे पिंक फ्रेजाइल यानी डेलिकेट यानी नाजुक थे इतने नाजुक कि मियरेस्ट ब्रेथ

पत्तों के बीच में से नीले अंधे आसमान को देखता रहा एट द ब्लू ब्लाइंड लेटर बी की साउंड रिपीट होती है और इसलिए क्योंकि पोएट स्काई को ब्लाइंड कहकर प्रसोनिफाई करते हैं एट द फिंच एंड फ्लिटेड through the dappled green. Finches means small birds that eat seeds. छोटे पंची जो बीज खाते हैं Flitted means moved in and out. यानी अंदर बाहर आते जाते रहना Dappled यानी having dark and light patches. जिसके dark and light patches होते हैं Poet finches को देखता रहा पंची पेड़ के घने पत्तों से अंदर बाहर आते जाते थे वो पत्ते डैपल्ड यानी डार्क एंड लाइट शेड्स के थे the flinches as they flew and flitted यहां लेटर f की साउंड रिपीट हो रही है और इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है while bees in an ecstasy drank of nectar from each bloom ecstasy मींस फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस यानी बहुत खुशी नेक्टर मीन्स स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाई फ्लार्स यानी अमृत ब्लूम यानी फ्लार फूल मधुमक्खियाँ हर फूल से बड़ी खुशी से अमृत पी रहे थे एंड द सन सैंक स्विफ्टली स्विफ्टली मीन्स क्विकली सूरज जल्दी ढलने लगा यहाँ साउंड ऑफ द लेटर इज रिपीट हो रही है और इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है एंड द स्टार्स टर्न्ड इन द स्काई और आसमान में तारे चमकने लगे एंड मून मॉट्स एंड सिंगिंग क्रिकेट्स एंड आई यस आई प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी मून मॉट्स क्रिकेट्स ये कीड़ों का नाम है ये कीड़े और पोएट तारीफ करने लगे रात की तारों की और उस पेड़ की पोएट उस छोटी चेरी ट्री की तारीफ करने लगे जिसे उन्होंने ग्रो किया था सिंगिंग क्रिकेट्स यहाँ फिगर ऑफ स्पीच परसोनिफिकेशन बनता है क्योंकि क्रिकेट्स नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं और उनको परसोनिफाई किया है एज इफ दे आर सिंगिंग तो फ्रेंड्स ये थी चेरी ट्री पोएम की एक्सप्लेनेशन उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी आपको कुछ सीखने मिला होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू सून फिर मिलेंगे बाय बाय